जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के लिए भारत के अलग अलग राज्यों से प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों एवं अन्य सेक्टरों की वैकेंसी अपडेट का फुल डिटेल आप सभी के सामने वीडियो के माध्यम से देने की पूरी कोशिश करता हूँ। और मैं खास तौर से अपने पूर्वांचल यानी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए महत्वपूर्ण वैकेंसी अपडेट लेकर के आया करता हूँ, जैसे इलाहाबाद, प्रयागराज और ख़ास तौर से वाराणसी के आसपास के जिलों से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए मैं महत्वपूर्ण वैकेंसियाँ लेकर के आता रहता हूँ। और वाराणसी के लिए तो हर रोज़ वैकेंसी नई नई आती ही रहेगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। और आज मैं लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए हॉस्पिटल सेक्टर से रिलेटेड वाराणसी एवं गोवा के लिए वैकेंसी और इलाहाबाद के लिए। तो हॉस्पिटल, रियल इस्टेट और सिक्योरिटी की वैकेंसी है। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और बिना स्किप किए पूरी जानकारी लीजिए ताकि आपको जॉब की पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिल जाए। पहले वैकेंसी है जो हमारे वाराणसी के लिए हॉस्पिटल सेक्टर से रिलेटेड है। इसमें ज़रूरत है एक लेडीज़ महिला की। टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें 28 है, जिसमें कि ज़रूरत है। फर्स्ट पोस्ट की बात करें तो सुपरवाइज़र, जिसे मैन पावर सप्लायर सुपरवाइज़र बोलते हैं, जो कि हाउसकीपिंग का मेन मुखिया होता है, उसको मैनेजर बोलते हैं। मैनेजर का पोस्ट है हाउसकीपिंग मैनेजर का, जो कि जो लोग साफ़ सफाई करने वाले हैं उनको मैनेज करना है, उनकी सैलरी डिस्कशन करनी है, उनकी हाजिरी वगैरह लगानी है, कौन सा काम हुआ कौन सा नहीं हुआ ये सब देख रेख करना है। ये बेसिकली पोस्ट है महिला के लिए। हॉस्पिटल में पोस्ट है, 8 घंटे की ड्यूटी है, इसमें 6 से लेकर के 8 हज़ार रुपये तक का पेमेंट है। दूसरी पोस्ट की बात करें तो हाउसकीपिंग की पोस्ट है, इसमें महिला पुरुष दोनों कार्य कर सकते हैं। बात करें इनकी योग्यता की तो ये 8वीं पास 10वीं पास 12वीं पास भी कर सकते हैं। यदि आप साफ़ सफाई क्लीनिंग अच्छे से कर लेते हैं तो हॉस्पिटल का फैन वगैरह और जो भी एरियाज हैं उनको साफ़ सफाई का कार्य करना है, इसमें भी आपकी ड्यूटी 8 से 10 घंटे की ड्यूटी है। बात करें सैलरी की तो इसमें भी आपको 7 से लेकर के 9 हज़ार रुपये के बीच में सैलरी मिल जाएगी। हॉस्पिटल सेक्टर में ही रिलेटेड भर्ती है रिसेप्शन की। यदि आप रिसेप्शन पे रह चुके हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल के बारे में और दवाइयों के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आपको 7 से 8 हज़ार रुपये की 8 घंटे की ड्यूटी हॉस्पिटल में मिलती है। सेकेंड हमारे पास वैकेंसी आई है इलाहाबाद प्रयागराज के लिए। आप यदि रियल इस्टेट में कार्य करना चाहते हैं, ज़्यादा बड़े ड्रीमर हैं, अच्छे पैसे कमाने चाह रहे हैं, तो आप मार्केटिंग का फील्ड, जैसा कि आप सबको पता होगा कि मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप बिना बिजनेस किए एक बेहतर इनकम कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो इसमें आपको रियल इस्टेट का काम है, प्रॉपर्टी डीलर का काम करना है। इसमें आपकी बेसिक सैलरी 8 हज़ार रुपये रहेगी, प्लस इंसेंटिव आपको 1 लाख रुपये तक इंसेंटिव है। करना यही है, मेडिएटर का काम करना है, रूम लेने घर लेने वाले और रूम मालिक से मिल करके रूम का फाइनल करवाना है, प्रॉपर्टी डील करनी है। प्रॉपर्टी बिक गई आपकी सैलरी भी मिलेगी, प्लस जितना प्रॉपर्टी बिकता है उसमें से कुछ आपको कमीशन भी मिलेगा। तो यदि आप करोड़ों रुपए का काम करते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं 1 लाख रुपये तक का फ़ायदा होगा ही होगा। और हमारे पास सबसे बड़ी बम्पर वैकेंसी आई है सिक्योरिटी गार्ड के लिए। यदि आप 10+2 क्वालिफाइड हैं और बाहर में जाकर के जॉब करना चाहते हैं तो गोवा आपको पता होगा एक सुदृढ़ और शिक्षित सिटी है, बेहतर सिटी है। वहाँ पर सैलरी आपको सिक्योरिटी गार्ड की मिल रही है 18 हज़ार रुपये पर मंथ। और ड्यूटी की बात करें तो 8 घंटे की ड्यूटी है। जी हाँ, 8 घंटे की ड्यूटी है, 18 हज़ार रुपये सैलरी है और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है। ऑफिस का टाइमिंग जो रहता है, ऑफिस में ही सिक्योरिटी का काम करना है, 8 घंटे की ड्यूटी। इससे आपको, अगर आप गोवा के आसपास में रहते हैं या फिर आप गोवा जाकर के जॉब करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस में संपर्क करें और जॉब के लिए जाएं। यदि आप ऐसे ही जॉब का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको पता ही है कि लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी एक विकराल रूप ले चुकी है, तो हम लोग एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं कि हमारा सपना बेरोजगार मुक्त भारत देश हो अपना। क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने का पर्पज उद्देश्य यही है कि अपने देश के जो युवा बेरोजगार हैं या फिर जो लोग नौकरी करते थे जिनकी नौकरी छूट गई है, उनको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए और वो फिर से अपना अच्छे से नौकरी करें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। यदि आप भी चाहते हैं कि आप किसी का भला कर सके तो मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सके आपके शेयर करने से किसी की जॉब लग जाए तो उसका तो भला हो जाएगा ना, वो आपके हाथों होता है तो और बड़ी बात है। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।